रिसेंटली दोस्तों न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में फ्रॉग यानी मेढक की नई प्रजाति डिस्कवर की गई है नई स्पीसीज का ये मेढक चॉकलेट के रंग का है और चॉकलेट से बना मालूम होता है इसीलिए इसे चॉकलेट फ्रॉग भी कहा जा रहा है इंटरेस्टिंगली ये जेके रोलिंग द्वारा बनाए गए विजार्ड वर्ल्ड हैरी पॉटर में मौजूद मैजिकल स्वीट्स के जैसा है दोस्तों ये डिस्कवरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलियन ग्रीन ट्री फ्रॉग में हिस्टोरिकल लिंक दिखाती है इससे ये थ्योरी भी मजबूत होती है कि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया लाखों साल पहले लैंड ब्रिज से जुड़े हुए थे करीब 26 लाख साल पहले लीड ट्रीटी पीरियड तक न्यू गिनी की जमीन और ऑस्ट्रेलिया जुड़ी हुई थी जिससे ये दोनों कई बायोटिक एलिमेंट शेयर करते हैं लेट प्लियनी में रेन फॉरेस्ट और सवाना के लो लैंड अलग होना शुरू हुए थे ये स्पीसीज भी तभी से डाइवर्ज होना शुरू हुई हैं आज न्यू गिनी और क्यूंसलैंड टोर्स स्ट्रेट से सेपरेटेड है ये फ्रॉक दुनिया के हार्श और अनफेवरेबल एरियाज में से एक में डिस्कवर हुआ है जो न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट है यह हॉट रेन फॉरेस्ट एक स्वाम्प है जबकि ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज सवाना को अडेप्ट कर चुकी हैं ये नई स्पीसीज रेन फॉरेस्ट में डिस्कवर हुई है प्रेशर का डिफरेंस होने के कारण इक्वेटर से ट्रेड विंड इस ओर चलती हैं जो मॉइस्ट क्लाउड्स के जरिए एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट बनाता है यहाँ कोई रोड नहीं है जिससे एक्सप्लोरेशन बहुत कम किया जाता है दोस्तों फ्रॉग स्पेशलिस्ट और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट स्टीव रिचर्ड्स ने इस क्रिएचर को 2016 में स्पॉट किया था इस स्पीसीज को लिटोरिया मिरा नाम दिया गया है जो ऑस्ट्रेलियन कॉमन ट्रीप फ्रॉग लिटोरिया सेरुलियन का क्लोज रिलेटिव है इसके शॉर्ट और रोबर्ट लिम आंखों के पास वॉयलेट पैच और हाथ में वेबिंग इसे यूनिक बनाते हैं इस डिस्कवरी का क्रेडिट साउथ ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम के फ्रॉग स्पेशलिस्ट स्टीव रिचर्ड्स और क्यूंसलैंड म्यूजियम एंड ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के पॉल ऑलिवर को जाता है उन्होंने कुछ स्पेसिमेंट्स पर जेनेटिक टेस्ट और रिसर्च किए उन्होंने पहले से मौजूद जेनेटिक स्पेसिमेंट्स और नए जेनेटिक स्पेसिमेंट्स की एनालिसिस की रिचर्ड्स और ऑलिवर ने अपनी इस डिस्कवरी के अनाउंसमेंट ट्वेंट मई ट्वेंटी को ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ जुलॉजी में की दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत